मिस मीना आप है जी? ये फूल भिजवाए कहाँ रखे? यहाँ रख दे। अरे वाह, इतने सारे फूल किसने भेजे? अरहम साहब ने भेजे। ये अरहम कौन है? तुम तो 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद ही रखो। मैडम कुछ कहना है मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ और शुक्रिया अदा कर देना मेरा। कौन है लड़कियों? रुशना, ये सब किसने भेजा है? अम्मी ये मेरे हाँ के लिए आए, पूछ ले इसे। कब से चल रहा है ये सिलसिला? बंद करो दरवाजा। तुम्हें पाल पोस कर इसी दिन के लिए जबान किया था कि हमारे सरों पर खाक डाल दो। तुम बोलो, बताओ बताओ किसने भेजे ये? कौन था वो? चची जान मैं नहीं जानती। नहीं जानती हाँ, लेकिन अपने आशिक को हमारे घर का पता देते हुए अक्कल तेरी घास चलने गई थी? अरे बस भी कर अकेला, अरे बस कर, कितना बोलेगी, बोले चली जा रही है। तो क्या करूँ, इसे फूलों के हार पहनाऊ मैं? कम वक्त पता नहीं किसके साथ मुंह काला करती फिर रही है। मुझे तो लगता है किसी दिन ये कॉलेज से वापस ही नहीं आएगी घर। अम्मी भूली तो है, कौन सा किसी ने बम भेज दिया है? मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह से जानती हूँ कि लड़के लड़कियों को ये फूल किस चक्कर में भेजते। अरे गेट की तरफ तो रुशना भागी भागी गई थी। खाला माँ आप तो चुप ही रहे, चलो परवेश अम्मी के लिए पानी लेकर आओ। नहीं भाई ये मुझे पानी, जहर लाकर देगा मुझे। कितनी बार कहा था इसी बात से डरती थी मैं इसी दिन से कि पुरानी लड़की की जिम्मेदारी एक बेवा पर लग जाना, लेकिन मैंने किसी ने नहीं सुनी। अब कल कला को ये किसी के साथ भाग गई तो किस किस को जवाब देती फिरूंगी मैं? अम्मी तुम और तुम कान खोल कर सुन लो, अपना इंतजाम कहीं और कर लो। तुम जो कुछ यहाँ करना चाहती हो ना मैं नहीं करमदाद वो गिफ्ट पहुंचा दिया था जी साहब। अच्छा सुनो जी, कौन कौन था वहां? मीना बीबी और 2-3 लड़कियां और थी। मीना ने कुछ कहा? बस यही कहा कि आपका शुक्रिया अदा कर दूं। ठीक है तुम जाओ। सुनो जी, चाय शाय पी लेना। थैंक यू सर। यार ये मीना फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ बिजी हो यार? कहाँ बिजी हो मीना, फोन क्यों नहीं उठा रही यार? अरे मीना फोन उठा लो, क्या कर रही है? कहाँ बिजी हो सकती है? मिरहा
नेहा, नेहा, तुम प्लीज मुझे मार डालो, मुझ पे गुस्सा हो जाओ, लेकिन मुझसे नाराज नहीं हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी रोशना, प्लीज। नेहा, नेहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं बुखला गई थी। और जलील होने के लिए तुमने मुझे पेश कर दिया। रोशना, तुमने बहुत गलत हरकत की है। और वैसे वो था कौन जिसने तुम्हें ये सब भेजा? बस एक शरारत की थी, पीछे ही पड़ गया है। ऐसे कैसे पीछे पड़ गया? हद करती हो रोशना। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो। मेरी जिंदगी पहले आसान नहीं थी रोशना, अब क्या करूं मैं? मैं चाची जान को कैसे यकीन दिलाऊं अपनी सच्चाई का? वो पहले ही मुझे इस घर से निकालना चाहती थी। मैं बहाज भाई से बात करती हूँ, ऐसे कैसे निकाल देंगी इस घर से? ठीक है, बहाज को सब कुछ बता दो और उसकी नजरों में भी मुझे गिरा दो। तो फिर और क्या करूं मेरा? तुम मुझे मार डालो, मुझे सजा दे दो। लेकिन तुम एक काम करो, चच्ची जान को सब कुछ सच सच बताओ, नहीं होंगी मैं तुमसे नाराज। ठीक कह रही है मेरा आपी, मैं अभी उस्वा को बुलाती हूँ, वो खुद ही सब बता देगी। खबरदार, जो किसी ने अम्मी की चमची को कुछ भी बताया तो एक ही चार लगा के बताएगी।